नमस्कार, हावड़ा सिटी पुलिस के पक्ष से विशेष घोषणा। कोविड 19 के संक्रमण को बंद करने के लिए पूरे इलाके को संपूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। खड़े हैं, ये हावड़ा का स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि पूरे देश से जिस समय ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं, परंतु ये हावड़ा स्टेशन से लोग इस आशा में बैठे हुए हैं कि कब यहाँ से ट्रेन मिलेगी। और देख सकते हैं कि यहाँ से अभी तक कोई ऐसी ट्रेन का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि लोगों को सही जानकारी तथ्य मिल सके। ये वही जगह है नागा बाबा का आश्रम, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 23 नंबर नित्यानंद मुखर्जी रोड पर स्थित है और यहीं से ये जो सेवा दी जा रही है, ये जो भूमि है, ये वो भूमि है कि यहाँ का दर्शन से ही मात्र वो कल्याण हो सकता है जो यहाँ पर हजारों लोगों का कल्याण हुआ है। और यहाँ से हजारों लाखों लोगों को इस लॉकडाउन के समय में जो सहारा दिया गया है वो आने वाला एक इतिहास बनेगा। क्या कर रहा है केजरीवाल? वोट लेने के लिए आ जाता है, वोट दे दो, वोट दे दो। क्या कर रहा है केजरीवाल? कुछ नहीं कर रहा केजरीवाल भी, कुछ नहीं कर रहा मोदी भी, क्या कर रहा है यहाँ की वो सिराज अच्छा क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है, पागल हो गए बोल बोल करके। क्या कर रहे हैं ये लोग? पैसे के भूखे रहते हैं, जनता के भूखे रहते हैं। वोट ले लिया, भगा दिया, बस बैठ जाओ आराम से। पुलिस वाले डंडे मार रहे, क्यों डंडे मार रहे हैं? हमारे अंदर क्या गुनाह करते हैं? माता के पास आए दर्शन करने के लिए, दर्शन करने नहीं आएंगे? ये लोग तो जाते दर्शन करने के लिए, ये लोग भी नेता लोग भी दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे हम दर्शन करने के लिए आए थे यहाँ पर। हमारे गलती क्या कर दी हमने? डंडे मार रहे, डंडे खा रहे पुलिस वालों के, क्यों खा रहे भाई डंडे? ये हमारे भैया जी ने होते तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाती। हमारे जॉब से आई हूँ 12 मार्च को। अच्छा, 24 तारीख की मेरी टिकट थी, 24 तारीख से 2 दिन पहले लॉकडाउन हो गया। जब से हम यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी खाने पीने की व्यवस्था भैया जी ने करी है, बड़े भैया जी ने। अगर ये भैया जी नहीं होते तो हमारे कौन करता? 2 महीने से हम थाने जा रहे हैं, थाने वाले बोल रहे हैं कि ACP के पास, उसके पास जाओ, वो जो कोर्ट है वहाँ जाओ, वहाँ से कह रहे कि वहाँ पर थाने वाले के पास जाओ। ऐसे करके कभी कोर्ट, मतलब कभी कोर्ट में भेज देते हैं वहाँ पर, कभी वहाँ पर थाने भेज देते हैं, कभी एक और मतलब कौन कोई उसका वो है वहाँ भेज देते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही सुनवाई? 2 महीने से पड़े हमारे बच्चे रो रहे हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमने कोई गलती कर दी? माता के पास दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन वो है कि हमारे अगर भैया जी नहीं होते तो हम रोड पर भीख मांग रहे होते क्या? आप बताइए, क्यों नहीं सुनवाई हो रही हमारी? सुनवाई करो ना, 2 महीने से रो रहे हैं हम यहाँ पर, 2 महीने से हमारे बच्चे तड़फ रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे खाना नहीं खा सकते हमारे, क्यों, किस लिए? पुलिस किस लिए है? किस लिए पुलिस है? किस लिए मतलब नेता लोग है? किस लिए है ये? काहे के लिए? देखने के लिए नेता लोग? क्यों है नेता लोग? हमको घर भेजा जाइए। हमारे बुजुर्ग है, अपनी माँ को लेके आई हूँ, हमारी और ही बुढ़िया हैं उनको लेके आई हूँ, कितनी दुखी हो रही है, रो रही है बुढ़िया हमारी सारी, क्यों रो रही है भाई? हमको घर भेजो, हम नहीं जानते किसी को भी, क्योंकि 2 महीने हो गए, 2 महीने से हमारी जिंदगी खराब हो गई। अगर ये भैया जी नहीं होते, नाम नहीं ध्यान मेरे को भैया जी का, अशोक भैया जी का, अशोक भैया जी नहीं होते तो हमारा क्या हो रहा होता? हमारा रोड पर भीख मांग रहे होते, रोड पर सो रहे होते हम, क्यों, किस लिए? पुलिस वालों के पास जा रहे, भागो, डंडा मार मार के भगा रहे हमारे, क्यों डंडा मार रहे हैं भाई? क्या गलती कर दी हमने? क्या गुनाह कर दिया हमने? पुलिस वाले क्यों डंडा मार रहे हमारे अंदर? वहाँ पर जा रहे हैं उसके वहाँ पर क्या बोलते हैं, डीएम के पास जा रहे, डीएम कह रहे भागो भागो भागो, क्या है, क्यों, किस लिए डीएम बैठा है तू? किस लिए डीएम बैठा है? काहे का डीएम है तू फिर? काहे का डीएम है? ए, ये बताओ आप, हमें घर भेजने कृपा करें जी। अगर हमारे भैया जी नहीं होते तो हमारी जिंदगी झंड हो जाती, बिल्कुल हम बर्बाद हो जाते, इज्जत से भी जाते, खाने से भी जाते, अब सब कुछ से जाते। इन भैया जी ने हमको सब, वो जान से भी चले जाते अगर भैया जी नहीं होते तो। दिल्ली में आप लोग कहाँ रहते हैं? मंगोलपुरी एन ब्लॉक 551 मंगोलपुरी दिल्ली 83 केजरीवाल तक का आवाज। हाँ जी, झांसी से है, झांसी के रहने वाले, मंदिर आए थे पुत्र दर्शन करने के लिए, यही रहेगा 18 जनवरी उसको आए थे। आपको क्या क्या सुविधा हो रही है? कहाँ पे आपके यहाँ पर छोड़ के पिता दिल्ली में डरे, हम इधर डरे, बच्चे गांव में अकेले हैं, कोई खा और सदा दीदी उसकी तो गिर पड़ी है, अब उनको दवा करने के लिए कोई नहीं है, बहू इधर है, लड़का उधर है, कोई तो चाहिए उनको, बच्चे छोटे छोटे, हम 8 साल की लड़की, 5 साल की लड़की, 8 साल का लड़का है। तो आप योगी जी से क्या अनुरोध कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको घर पहुंचाया जाए, हमको इधर पेट
खाने को तो मिल रहा है पर हमें बच्चे के पास जाना है, खाने की कोई कमी नहीं है हमें, पर बच्चों के पास जाना है हमें, नहीं हमें तो बच्चों के पास जाना है, हमें खाना पेट भर मिल रहा, पेट भरने से नहीं होता, ममता तो बच्चों के पास है, हमें घर की सुख। 22 तारीख को अचानक मोदी जी का हमने संदेश सुना कि आज से लॉकडाउन, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिए, उसके दो दिन के 25 तक 26 को आकर 50 तो इतनों आदमी का खाना पीना चाय नाश्ता बीमारी भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं किसी का पेट खराब या कुछ, और 18 बच्चे को आपने आपको समझिए कि 6 महीना से लेकर 5 साल तक का 18 बच्चे आपको दिखा सकते हैं चैनल में, उन लोगों के लिए दूध बहुत जरूरी है, बच्चों बिना दूध का बच्चों खा, जो कोरोना वायरस है उनको कुत्ता से भी बदतर जीवन जी रहे, फेंक दिया जाता है, उसके पास डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स का पूजा होता है टीवी में, लेकिन सच्चाई के धरातल पर आप जाइए, सही है कि सभी डॉक्टर तो गलत नहीं हो सकते हैं, 10% 15% अच्छे ही, उसी के द्वारा ये पूजा हो रहा है, लेकिन ये 90% डॉक्टर्स जो मैं भुक्त भोगी हूँ, मैं तो जा भेज भेज कर जा जा खुद देखा है, हमारे पास अभी भी व्हाट्सएप मैंने किया है, वो फ़ोन से बोले कि आप व्हाट्सएप किए या ईमेल कीजिए एप्लीकेशन, मैंने व्हाट्सएप से एप्लीकेशन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं, डीएम साहब एडीएम के पास भेज दिए, डीएम साहब किसी और अधिकारी के पास भेज दिए, निष्कर्ष कुछ नहीं, तो ठीक है WHO का आपको पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, प्रशासन का व्यवस्था प्रत्येक सरकार का आप देखिए कैसा है, तो अनुरोध है आप लोगों से, आप लोगों के द्वारा चैनल के द्वारा भी आप लोग ये जो इन लोगों ने कहा इनका वक्तव्य आपने सुना, सभी परेशान है जाने के, ये नहीं यहाँ सब सुविधा है, इनका बहुत अच्छा भाग्य है, हमारा भी भाग्य अच्छा है कि अतिथि देव भव अतिथि राम सेवा, लेकिन जो बाहर में है आप लोगों ने घूम कर देखा होगा कि बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा जगह इतना कि हम और हजारों लाखों का व्यवस्था कर सकते, तो जितना मैं संभव किसी तरह का सुविधा दूँ, दवा से लेकर हर तरह का सुविधा है, तो चैनल के माध्यम से हमारा ये कहना है कि प्रशासन जो भी गाइडलाइन दे रही है टीवी में तो उसको धरातल पर ही उतारिए, सिर्फ आप चैनल में वो दे दिए आपको कि भाई इस नंबर में आप कॉल कीजिए, कुछ नहीं रहा, लगातार मैं फोन कर रहा हूँ, किसी के घर में खलिहान में बहुत पड़ा हुआ है, बारिश हो गई या खलिहान में माल नहीं है, किसी को अपने बच्चे को कोई छोड़ कर यहाँ पर आया, वो सुविधा तो मैं कहाँ से, तो उनको पहुँचाने पर ही उनको सुकून तो तब मिलेगा जब वो परिवार के साथ, आज लाखों लाखों जनता आप कड़ाई हटा दीजिए सब राज्य से, लेकिन कोई नहीं मिलेगा, रोड पर सब उतर जाते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं सरकार ढंग से, कोई भी सरकार नहीं कर रहा है, कोई भी सरकार नहीं, घूमने आए थे कालीघाट 23 तारीख से यहाँ फंस गए, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 31 लोग हैं टोटल, 17 आदमी बड़ा है और 14 बच्चा है, छोटा छोटा 1 साल से लेके 9-10 साल तक। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार। तो झांसी में कहाँ पर आप लोग रहते थे? हम लोग अम्बेडकर नगर तालपुरा और सभी जगह से हैं, कोई हसारी से, कोई 9 नंबर से, कोई सीपरी बाजार से है, जैसे सब मिला के हैं, कोई खजराहा से है। ठीक, अपनी बेटी के साथ आई हूँ मैं दिल्ली से ही, मेरी बहू गर्भवती है, मेरी बहू के अभी बच्चा होने हाँ पार हो है, यहाँ पर मुझे 2 महीना है गई और मेरे घर पे ऐसा कोई देखने भरने वाला है नहीं है घर पे, मैं कभी रो लेती हूँ, कभी खाना खा लेती हूँ, कभी बच्चा की तनिया मना मना के देख देख के हमारे ये अशोक भाई साहब हमको खाना खिला रहे हैं, हम अपने हालत तक किससे कह में कौन से बोलें, हमारी बहू को कुछ होगा हमसे पीछे तो हमारा कौन देखने वाला, हमारे बेटा का घर भी उजड़ जाएगा, हम तो कई दिन के ना रहेंगे, हम यहाँ फंसे पड़े हैं, हमारी बहू हमारी माँ देखेंगी
कोई अड़ोसी पड़ोसी है वो भी हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे कोई देखने वाले नहीं है, हमारे कागज हैं, फिर भी लॉकडाउन है, हम कहीं रिश्तेदारी या कहीं बुलाएंगे तो हमारा कोई रिश्तेदार भी आए भी लाख नहीं है, हम इतनी दूरी पर यहाँ पर पड़े हैं, हमारी सहायता करनी चाहिए।